आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर पुनी मनोज कुमार की अध्यक्षता में थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई। एसडीपीओ ने बताया कि श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। वैसे देखा जाता रहा है कि डुमरी में दोनों समुदायों के बुद्धिजीवियों के अगुवाई में क्षेत्र में मनाई जा रही हर त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाते आ रहे हैं। श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा को पूरे भारत में मनाई जा रही है और इसे विश्व देखेगा। इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाना है। किसी भी तरह का घातक आतिशबाजी ना करें, किसी तरह का कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, इदरीस अंसारी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, गुड्डू मलिक, राजकुमार पांडे, दिलचंद दास, कैलाश कुमार दास, परमेश्वर पंडित, किशोर पंडित, आशीष कुमार आदि उपस्थित हैं। बैठक का उद्देश्य क्या था? जो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 22 जनवरी को जो प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ पे जो शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी, इसमें बेसिकली जो भी जो त्यौहार है की तरह मनाया जा रहा है उसको आपसी समरसता के साथ, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने के लिए अपील किया गया है। लोगों को दीपोत्सव के बारे में बताया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह से अगजनी से संबंधित कोई घटना ना घटे उसके लिए निर्देशित किया गया है। प्लस डीजे बजाने को लेकर के या कोई धुन संगीत जिससे किसी की भी आपसी जो भाईचारा है उसमें कोई क्लेश हो उसे मना किया गया है और लोगों को अपील किया गया है कि इसको आपसी भाईचारे की तरह इसको पार किया जाए। सर जुलूस को अभी जुलूस को लेकर के कोई ऐसा क्लियर दिशा निर्देश हमारे तरफ से इन लोगों को दिया गया है जिसमें ये है कि जुलूस का पहले हम लोगों को ये प्रोविज़न पूछ लेना है, एसडीओ साहब का परमिशन ले लेना है और उसके बाद ही कोई अगला कार्रवाई करना है। डीजे उसमें नहीं बजाना है, डीजे बजाने के लिए हम लोगों ने साफ मना किया हुआ है।